स्वागत है एक बार फिर आपका MOOC 1 Google Classroom में। और अब तक हमने MOOC 1 Google Classroom में ये देखा कि किस तरीके से हम Google Classroom क्रिएट करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले सर्च बार पर आप सीधा Google Classroom लिख सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड में ये जो 9 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करते हैं और सीधे आप Google Classroom में चले जाते हैं। यहाँ से आप अपनी क्लास को सेलेक्ट करते हैं और इन सारे टैब्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे मटेरियल्स की, मटेरियल को डालने की, जो स्टडी मटेरियल है, टॉपिक हम पहले डालते हैं, टॉपिक जैसे कि चैप्टर का कोई टाइटल हो सकता है, और इसके अंतर्गत हम उससे रिलेटेड मटेरियल को पोस्ट करते हैं। जैसे कि आप इस पेज में देख रहे हैं कि हमारे टॉपिक्स हैं और टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज हो जाता है और वो बड़े आराम के साथ किसी भी मटेरियल को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। आज हम खासतौर से बात करने जा रहे हैं असाइनमेंट की। इससे पहले वीडियो में हम असाइनमेंट देख चुके हैं कि किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट के जरिए असाइनमेंट बच्चों को पोस्ट किया था और स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट बनाकर हमें उसको वापस भेजा था। इस तरीके से हम डिटेल टॉपिक वगैरह डालते हैं और गूगल ड्राइव से इस वक्त हम सेलेक्ट कर रहे हैं असाइनमेंट। एक स्लाइड टेम्पलेट है जो कि पहले से बना हुआ है, गूगल ड्राइव से मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और जब आप असाइनमेंट देते हैं तो फिर से तीन ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं कि स्टूडेंट देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन ओनली व्यू फाइल, और जहाँ पे कि स्टूडेंट केवल देख सकता है, यहाँ पर कोलैबोरेटिव स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, और यहाँ पर हर एक को स्टूडेंट को एक एक कॉपी उस असाइनमेंट की मिल जाती है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक स्लाइड ऐड करनी है स्टूडेंट्स को, तो इन तीनों ये जो ऑप्शंस है इसमें से हम तीसरा सेलेक्ट करते हैं कि एक कॉपी स्लाइड जो असाइनमेंट है उसकी हर स्टूडेंट तक पहुँच जाए। और यहाँ पर हम जब सेव हो जाता है हम क्लास इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें मार्किंग करनी है तो हम यहाँ पर मार्क्स भी दे सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं, या इसको हम अनग्रेडेड छोड़ सकते हैं। टीचर पे डिपेंड करता है कब ये आपको असाइनमेंट वापस चाहिए, ड्यू डेट निर्धारित कर सकते हैं, समय निर्धारित कर सकते हैं, और टॉपिक हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और हम फाइनली पोस्ट कर देते हैं, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत ये असाइनमेंट चला जाता है। ये टीचर इसको इस तरीके से देख सकता है, टीचर के गूगल क्लासरूम में दिखाई देता है, और जैसे ही ये बच्चे के पास जाता है, बच्चा इसको अपनी स्ट्रीम में उसको पता चल जाता है और जीमेल के थ्रू भी पता चल जाता है असाइनमेंट पोस्ट हुआ है। ये खास देखने वाली बात है यहाँ पर कि किस तरह से स्टूडेंट को असाइनमेंट नजर आता है। यहाँ पर वो असाइनमेंट देखता है, ये स्लाइड असाइनमेंट देखता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा ये स्लाइड शेयर खुल गया और यहाँ पर वो पढ़ सकता है कि उसको असाइनमेंट करना क्या है, एक स्लाइड ऐड करनी है, इमेज देनी है, या जो भी आप असाइनमेंट देना चाहे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक असाइनमेंट को यहाँ पर स्लाइड ऐड करेगा और अपना असाइनमेंट वो यहाँ पर देगा, जो भी आपने या टीचर ने उससे असाइनमेंट करने को कहा है, जो भी वर्क दिया है वो स्लाइड पर करेगा और वापस उस काम को करके वो इसको हैंड इन करता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्लाइड सेव हो जाती है और यहाँ पे जैसे ही वो टर्न इन करता है, हैंड इन करता है, यहाँ पे क्लिक करते ही ये टीचर के पास पहुँच जाता है। टीचर अपने क्लासरूम में असाइनमेंट को देखता है, यहाँ से भी वो उसे रिटर्न कर सकता है, उसे मार्क्स दे सकता है, या फिर अगर कलेक्टिवली उसको वापस देने हैं, रिटर्न करने हैं असाइनमेंट्स, तो वो सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स को एक साथ यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट स्लाइड शेयर के फॉर्म में या स्लाइड बनाकर गूगल स्लाइड्स का प्रयोग करके टीचर असाइनमेंट बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, स्टूडेंट को दे सकता है। आगे हम बात करेंगे क्विज असाइनमेंट टीचर कैसे बना सकता है, तो इसलिए देखते रहिए ये वीडियोस। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस एंड पार्टिसिपेटिंग इन MOOC 1 गूगल क्लासरूम। थैंक यू सो मच।